बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के लिए यूं तो तमाम खबरें हैं जो कि परेशानी का कारण बनी हैं। लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ना आसान नहीं है 61 की उम्र में। इसके अलावा संजय दत्त की 750 करोड़ रुपए की फिल्में जो हैं पांच वो दाव पर लगी हैं। ऐसे में नेशनल यहाँ पर देखिए जाए कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंच रही है बॉलीवुड की हर सेलिब्रिटी को लेकर पता लगाने के लिए कि कौन इलीगल तरीके से नशे का सेवन करता था। तो इसे लेकर अब रणबीर कपूर का नाम तो कंगना रनौत ने पहले ही लिया कि वो अपना टेस्ट कराएं। अब संजय दत्त का नाम सवालों से गिरा है क्योंकि एक समय संजय दत्त की इमेज बैड बॉय वाली बनी हुई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जी हाँ, करीना कपूर खान से लेकर अब तक सलमान ट्रॉल हुए, लेकिन संजय दत्त अपनी बीमारी की वजह से ट्रॉलिंग से पीछे हैं और एनसीबी जिस तरह से तहकीकात करने के लिए बॉलीवुड में कदम बढ़ा रही हैं, सवालों के घेरे में बॉलीवुड के वो सितारे आएंगे जो कि नशे की आदि रह चुके हैं। और संजय दत्त ने तो खुद ही कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया, खुद ही ये कहा कि हाँ वो नशे की आदि रह चुके हैं। ऐसे में बात यहाँ पर हो रही है संजय दत्त की। तो आपको बता दें कि संजय दत्त को 12 साल लगे थे नशे की आदि होने के बाद इस आदत से बाहर आने में। 99% लोग हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित है, इस नशे से पीड़ित हैं कंगना रनौत का कहना है। तो संजय दत्त के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण है ये, क्योंकि संजय दत्त जिनकी फिल्म संजू में भी दिखाया गया था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर का उन्हें सहारा लेना पड़ा था जब वो बहुत तकलीफ में रहे थे। तो आपको बता दें हम यहाँ अपने इस रिपोर्ट में किस तरह से संजय दत्त ने टफ टाइम का सामना किया है। लंग कैंसर स्टेज 3 कैंसर से डायग्नोज पहले कहा गया और अब ये कहा जा रहा है कि संजय दत्त जो कि शेयर कर चुके हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकलने के बाद अपने एक्सपीरियंस, वो संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त को लेकर भी कह चुके हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि अमेरिका में है वहाँ वो ट्रीटमेंट करा चुके हैं और इसके बावजूद अगर वो टेस्ट में पाए गए कि हाँ उन्होंने इस तरह के नशे का सेवन किया है तो इस बार फिर से संजय दत्त को गुनहगारी को लेकर और तमाम तरह के क्रिमिनल केस को लेकर फिर सामना करना पड़ सकता है। मुंबई पुलिस और CBI की टीम NCB की टीम का नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।